बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है कामरान और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टर्किश ऑनलाइन वीज़ा के बारे में बात करूंगा। तो ये वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है, क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इनफैक्ट ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है इस वीज़े का। एक वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो उस वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। फर्स्ट स्टेप पे अपनी तमाम इंफॉर्मेशन वो एंटर करनी है। सेकंड स्टेप पे आपने पेमेंट करनी है जो आप अपने वीज़ा कार्ड के ज़रिए या फिर मास्टर कार्ड है या कोई भी ऐसा कार्ड जो कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज़ हो सकता है, तो वहाँ पे उन्होंने मल्टीपल ऑप्शन दी हुई हैं, तो उनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप पर आप वो वीज़ा डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट पे कैसे इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, किन चीज़ों का क्या रखना है, तो इससे रेलिवेंट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और वो वेबसाइट जिस पे आपने ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है उसका लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन इस वीज़ा की एलिजिबिलिटी के लिए बेसिक क्राइटेरिया ये है कि आपके पास शेंजन कंट्रीज़ का, यूके का, आयरलैंड का या यूएसए का अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तभी आप इस ऑनलाइन वीज़ा की जो फैसिलिटी है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास इन कंट्रीज़ का, जो एलिजिबल कंट्रीज़ हैं, उनमें से किसी का भी वीज़ा नहीं है, तो आप ऑनलाइन प्रोसेस के ज़रिए वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, तो उससे रेलिवेंट मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि ऑनलाइन विज़िट वीज़ा के अलावा अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपने एम्बेसी में भेजने हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो वो तमाम डिटेल मैं आप लोगों के साथ अलग वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन मैं ख़ुद 2 दफ़ा मैं तुर्की विज़िट किया है और दोनों दफ़ा मैंने ऑनलाइन वीज़ा ही लिया था। तो पहले जब मैं गया था तो उस वक्त मेरे पास यूके का वैलिड वीज़ा था, और सेकंड टाइम जब मैंने विज़िट किया तो उस वक्त मेरे पास यूएसए का विज़िट वीज़ा था। तो अगर आपके पास भी जो एलिजिबल कंट्रीज़ हैं उनमें से भी किसी भी कंट्री का अगर वैलिड वीज़ा है तो आप इस ऑनलाइन फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी जिनके पास एलिजिबल कंट्रीज़ का वीज़ा है और वो तुर्की का ऑनलाइन विज़िट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।